वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस कैसे हैं आप सभी लोग मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे सो आई होप यू ऑल आर बढ़िया होंगे और बिल्कुल सब एग्जाम के यानी आखिरी दिन पर हम लोग खड़े हैं और आई होप कि आपने मन लगाकर पढ़ाई करी है बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है बिल्कुल सक्सेस आपकी होगी यहाँ पर बी कॉन्फिडेंट गाइस तो आई होप गाइस यू ऑल आर डूंग ग्रेट आज हम लोग बात करेंगे अपने सेशन में इंटरनेट के टॉप फिफ्टी क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार अगर वॉइस आ रही है तो यस सर यस सर लिख के कमेंट कर दीजिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू देखिए कल के सेशन में इसके पहले वाला जो सेशन हुआ था वहां पर हम लोग ने इंटरनेट के बारे में बात की थी जहां पर कई सारे पहलुओं पर बात हुई थी और आज उन्हीं पॉइंट्स पर जो टॉप 50 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पर हम लोग बात करेंगे सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट फर्दर डिडू इंटरनेट है ना एक काफी खास टॉपिक बनता है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चन भी यहां से देखने को मिलते हैं तो कल के सेशन में यानी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने किन-किन मुद्दों पर बात करी थी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले देख लेते हैं हम लोगों ने बात करी थी टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में जहां पर लैन मैन वैन के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे और यहां पर हम लोगों ने बात करी थी इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बारे में इंटरनेट की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें हुई थी नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है यह आपको समझाया था वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वोल्टी नेटवर्क ब्राउजर सर्च इंजन कुकीज वेबसाइट ई और यू आर एन इनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में भी चर्चा हुई थी और साथ ही साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात हुई थी नेटवर्क केबल कौन कौन सी होती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल फाइबर ऑप्टिक केबल कोएक्सी केबल इस पर भी चर्चा हुई थी और ट्रांसमिशन मोड यानी सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स इन पर भी चर्चा हो चुकी है तो आज इन्हीं सब टॉपिक पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड खेलने जा रहे हैं तो आप सब लोग तैयार होंगे देखते हैं गाइस ये रहा पहला क्वेश्चन इंटरनेट से रिलेटेड पढ़िए और फटाफट कोशिश करिए क्वेश्चन का आंसर लगाने की आई आर सी स्टैंड फॉर आई आर सी की फुल फॉर्म क्या होती है यह आपको बताना है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस बिल्कुल सही गाइस देखिए आईआरसी की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट आईआरसी का मतलब है इंटरनेट रिले चैट यानी आप लोग देखते हैं इंटरनेट पर अलग अलग चैटिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं आप फेसबुक के थ्रू भी चैट कर सकते हैं आप टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप जो चैटिंग कर रहे हैं वो चैटिंग प्लेटफॉर्म आपका क्या कहलाता है वो आईआरसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है इसीलिए सही इंटरनेट रिलेट चैट के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन इंटरनेट वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ स्विचिंग यानी इंटरनेट किस टाइप के कॉन्सेप्ट पर काम करता है पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग करेक्टर स्विचिंग ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज बिल्कुल सही कई बार भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूं प्रीवियस सेशन में और प्रीवियस वाले सेशन में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि पैकेट और सर्किट में क्या अंतर होता है इंटरनेट जो होता है वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर काम करता है पैकेट्स पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये फास्ट नेटवर्क होता है पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग के कंपैरिजन से फास्ट होता है पैकेट स्विचिंग में डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है ये बात बिल्कुल सही है कनेक्शन लेस मोड पर काम करता है पैकेट स्विचिंग जबकि सर्किट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड मोड पर काम करता है है ना तो आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा अगला क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग एवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट पर जो मुफ्त में सॉफ्टवेयर का बग अवेलेबल है इसे क्या कहा जाता है बग का मतलब कि सॉफ्टवेयर में जो एरर है उसको रिमूव करने के लिए कोई एक रिपेयर टूल अवेलेबल है इस टूल को क्या कहते हैं यह आपको बताना है बिल्कुल सही गाइस, करेक्ट आंसर इज पैच जैसे इंटरनेट पर काम करते करते कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैचेस ऑनलाइन अवेलेबल मिलते हैं तो दिस इज कॉल्ड पैच वर्जन आप जानते हैं क्या होता है यानी किसी भी एप्लीकेशन का उसका उसका अपडेटेड फॉर्म वर्जन कहलाता है ना नया वर्जन आ जाता है या उसी वर्जन में भी चेंजेस होते हैं जिसको अपडेशन या अपग्रेडेशन के नाम से जानते हैं आप लोग एडोन क्या होते हैं जैसे ब्राउजर के एडॉन होते हैं कि ब्राउजर पर आप कई सारे प्लगइन ऐड कर सकते हैं उन्हीं को ही हम लोग ऑन भी बोलते हैं ट्यूटोरियल आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को करने से पहले उसका ट्यूटोरियल एक बार पढ़ लिया जाता है है ना जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसका ट्यूटोरियल एक होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है जिसको मैनुअल भी कहते हैं कई बार अगला हु प्रोवाइड इंटरनेट हमें इंटरनेट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है टीसीपी आई एस पी एफ टीपी एस टी टीपी या ऑल ऑफ दीज वेरी गुड जल्दी से बताइए वॉट इज करेक्ट आंसर गाइस देखिए अगर इंटरनेट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट वो प्रोवाइड करता है जिसका सिम हमारे पास होता है है ना तो जिसका सिम है उसी का इंटरनेट है जिसकी सर्विस हमने ली हुई है उसी का इंटरनेट है तो इसको हम लोग बोलते हैं आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्लियर है जैसे बी का है है ना तो जियो सर्विस प्रोवाइडर हो गया आपका रिलायंस यानी रिलायंस केस में जियो हो गया बी हो गया आईडिया हो गया तो ये सब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है अगला अब देखो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया भी था कि एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया का आईएसपी कौन सी है विच इज द फर्स्ट आईएसपी ऑफ इंडिया तो इंडिया की आईएसपी का नाम है वी विदेश संचार निगम लिमिटेड जिसे टाटा कॉम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है आजकल और अगर वर्ल्ड की आईएसपी की बात करें तो आंसर आता है टेलनेट दुनिया की पहली आईएसपी है आपकी टेलनेट द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उसे क्या कहते हैं होस्ट हब गेटवे रिपीटर या नन ऑफ दी अब एंड दी करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड होस्ट तो आपका होस्ट और आपका दोस्त ये है आपका सर्वर ठीक है अगला क्वेश्चन द कॉम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाई द इंटरनेट इंटरनेट के द्वारा जिस कॉम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज होता है वो कौन सी है तो देखिए इंटरनेट की बात करें या इंट्रानेट की बात करें या एक्स्ट्रानेट की बात करें इन तीनों ही नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग बोलते हैं टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आंसर क्या होगा टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है अब क्वेश्चन में चाहे इंटरनेट दिया हो चाहे इंट्रानेट दिया हो चाहे एक्स्ट्रानेट दिया हो इन सभी केसेस में आंसर आपका एक ही बनेगा टीसीपी आई एस क्या है ये बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है जिसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती ये खुद बा खुद काम करती है एस है डब्ल्यू क्या है वर्ल्ड वाइड वेब ये आपका पहला ब्राउजर भी है और इसका यूज सर्वर पर रखी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए भी किया जाता है FTP क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी अगर किसी भी फाइल को अपलोड करना है या किसी भी फाइल को डाउनलोड करना है तो इसके लिए एफ का इस्तेमाल किया जाता है द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड सीड्स ऑफ इंटरनेट वॉस पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की बीज बोई है जिसके द्वारा इंटरनेट स्टेबलिश हुआ है उस नेटवर्क का नाम बताइए एंड दी करेक्ट आंसर इज अर्पानेट बिल्कुल सही एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट और जिस कंपनी ने इसको लागू किया उसका नाम है डरपा अगला क्वेश्चन गाइस द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉडर्म इज मॉडर्म मतलब मॉड्यूलेटर और ड्यू मॉड्यूलेटर जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है मॉडर्म कहते हैं तो मॉडर्म की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है यह आपको बताना है एंड द करेक्ट आंसर इज 56 सिक्स केबीपीएस है ना तो मॉडर्म की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 56 सिक्स किलो बिट पर सेकेंड होती है वेरी गुड अगला क्वेश्चन एस की फुल फॉर्म क्या होती है सिंपल सिक्योर्ड स्टाइल शीट सर्वर या ऑल ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज सिक्योर्ड हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड एस एस एल जो लेयर होती है आपकी सिक्योर्ड सॉकेट लेयर ये लेयर आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जितनी भी ऐसी वेबसाइट होती हैं जहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं वहां जो शुरुआत होती है वो एस से ना होकर एस से होती है जहां पर एस नाम की सिक्योरिटी हमको मिलती है अगला क्वेश्चन विच सर्विस प्रोवाइड थ्री डी व्यू ऑफ अर्थ कौन सी ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हमें अर्थ का थ्री व्यू मिलता है विकीपीडिया इन स्काइप गूगल अर्थ या वर्ल्ड एंड द करेक्ट आंसर इज गूगल अर्थ तो गूगल अर्थ वो सर्विस है जिसके थ्रू पूरे अर्थ का हमें थ्री व्यू यानी थ्री पिक्चर अवेलेबल होती है अगला क्वेश्चन यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनादर कंप्यूटर ऑन दी इंटरनेट बाई यूजिंग यानी यूजर यानी हम लोग किसी भी फाइल को कंप्यूटर में ले सकते हैं किसकी मदद से एसटीटीपी की मदद से टेलनेट यूटीपी एफ टीपी या ऑल ऑफ दीज यूजर कैन गेट फाइल का मतलब क्या है गेट का मतलब होता है अपने सिस्टम पर फाइल को डाउनलोड करना है ना जैसे मूवी आपने डाउनलोड करी या सॉन्ग आपने डाउनलोड किए तो डाउनलोड करने के लिए बेसिकली कौन सी प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लेकिन डाउनलोड वर्ल्ड का यूज नहीं किया गया है क्या क्वेश्चन में कहा है अ यूजर कैन गेट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज गाइज एफ इस क्वेश्चन में कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही जवाब है जिसका काम किसी भी फाइल को अपलोड करना और डाउनलोड करने का होता है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन इंटरनेट डेटा इज इंटरनेट का जो डेटा है वो ब्रोकन होता है वो टूट जाता है किसमें फिक्स्ड लेंथ पैकेट में जो पैकेट की लेंथ होती है वो फिक्स होती है क्या वेरिएबल लेंथ पैकेट होती है क्या पैकेट के फॉर्म में ही नहीं होता चौसठ बाइट पैकेट होते हैं या ऑल ऑफ दीज बताइएगा तो देखो इंटरनेट पर जो डेटा ट्रेवल करता है उसका साइज कैसा होगा अलग अलग होगा अगर इंटरनेट पर डेटा का साइज अलग अलग है तो क्या उसकी लेंथ एक हो सकती है बिल्कुल नहीं तो आंसर होगा वेरिएबल लेंथ पैकेट ठीक है क्योंकि आप लोग जब इंटरनेट पर कुछ भी भेजते हैं तो वो अलग अलग साइज का होगा जैसे सिर्फ टेक्स्ट भेजेंगे तो उसका साइज अलग होगा इमेज भेजेंगे उसका साइज अलग होगा वीडियो भेजेंगे उसका साइज अलग होगा तो यानी इन सब का अगर साइज अलग होगा तो पैकेट का साइज भी क्या होगा वेरिएबल होगा अगला अब ब्राउजर इज एन एस ब्राउजर जो होता है यानी आपका जो ब्राउजर है कंप्यूटर का उसे किस नाम से जाना जाता है सर्वर एजेंट वर्क स्टेशन क्लाइंट या ऑल ऑफ दिस बिल्कुल ब्राउजर कहें या क्लाइंट कहें बात एक ही है आपका ब्राउजर कहां पर होता है आपके कंप्यूटर पर और कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं क्लाइंट बोलते हैं है ना तो ब्राउजर कहें या क्लाइंट कहें दोनों में कोई भी अंतर नहीं है अगला एस टी टीपी मैसेज सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इज कॉल्ड एस टी टीपी में हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल में वो मैसेज जो सेंड किया जाता है क्लाइंट टू सर्वर इसे क्या बोला जाता है ये रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है डिमांड है या ऑल ऑफ दीज है बताइएगा तो बिल्कुल सही गाइस देखिए क्लाइंट हमेशा क्या करता है रिक्वेस्ट करता है आप गूगल पे जब भी कुछ सर्च करेंगे आप क्या करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब आंसर यहां क्या होगा रिक्वेस्ट होगा ठीक है और जब सर्वर अगर कुछ भी करेगा यानी क्लाइंट की जगह अगर यहां सर्वर लिखा होता तो आंसर रिस्पॉन्स होता क्लाइंट होगा तो रिक्वेस्ट होगा अगला बताइए प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड वो प्रोग्राम जिसकी मदद से वेबसाइट को व्यू किया जाता है देखा जाता है उसे क्या बोलते हैं तो वेबसाइट को व्यू करने के लिए तो ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है तो आंसर क्या होगा यहां पर ब्राउजर यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप वेबसाइट को देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है तो आंसर है ब्राउजर कहलाता है ठीक है और माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है ईडीजी EDG एज है एप्पल का ब्राउजर कौन सा है सफारी है है ना याद रखिएगा इस बात को अगला देखिए विच ऑफ नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है तो ब्रॉडबैंड का मतलब होता है हाई स्पीड सैटेलाइट हाई स्पीड है डीएसएल भी आपकी स्पीड अच्छी होती है सही है लेकिन डायल अप है ना ये आपका ब्रॉडबैंड का टाइप नहीं है डायल अप कनेक्शन आपका स्लो कनेक्शन कहलाता है तो आंसर यहां पर क्या बनेगा डायल अप कनेक्शन ठीक तो एक तरीके से यहां पर पूछा जा रहा था कि इनमें से सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन आपको किसके थ्रू मिलता है तो डायल अप के थ्रू सबसे स्लो कनेक्शन मिलता है क्लियर है प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू दी इंटरनेट अकाउंट इज ये बताइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इंटरनेट से कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं साइन इन साइन आउट लॉग इन लॉग आउट या ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज लॉग इन अब आप पूछेंगे सर साइन इन और लॉग इन में क्या अंतर है तो इन दोनों में अंतर जरा आप जान लीजिए तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा साइन इन का मतलब होता है जब आपको किसी भी अकाउंट में रजिस्टर करना हो रजिस्टर करते समय हम लोग साइन इन करते हैं या साइन अप भी बोलते हैं इसको कई बार और अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है और सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपको एंटर करना है तो इसको लॉग बोला जाता है है ना वैसे तो साइन इन और लॉग इन को हम लोग कई बार एक ही जैसे ट्रीट करते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है इस अंतर को याद रखिएगा साइन इन मतलब रजिस्टर करना फिर ओपन करना और लॉग इन का मतलब कि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ आपको क्या करना है आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाना है दिस इज कॉल्ड लॉग इन यानी उस पार्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट हो जाना है अगला क्वेश्चन क्लियर है वेरी गुड कुकीज आर सेव्ड इन कुकीज कहां पर सेव होती हैं क्लाइंट साइड सर्वर साइड बोथ ऑफ दीज ओनली ऑन आईएसपी या ऑल ऑफ दीज कुंदन मयंक नमिता मानसिंह रेशु गर्ग वेरी गुड गाइस बिल्कुल सही एंटी करेक्ट आंसर कुकीज़ सेव होती हैं आपकी कहां क्लाइंट पर यानी ब्राउजर पर भेजता कौन है सर्वर भेजता है तो यानी क्लाइंट बिल्कुल यहां पर सही होगा और अगर यहां पर क्लाइंट की जगह ब्राउजर लिखा होता तो ब्राउजर भी सही हो जाता है ना ठीक वेरी गुड जसप्रीत प्रदीप नमिता राम यादव चलो आगे देखो देखा भी था कि जितनी भी सिक्योरिटी है वो एस टी टीपीएस के द्वारा हमें मिलती है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा एस टी टीपीएस हो जाएगा हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड नेक्स्ट वन इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया डब्ल्यू के फाउंडर कौन है एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड गाइस टिम बर्नर्स ली यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा इंटरनेट के फाउंडर कौन है तो आंसर है जल्दी से बताइए मिस्टर विंट सर्फ ये इंटरनेट के फाउंडर हैं और अगर आपसे पूछा जाए टीसीपी आईपी के फाउंडर कौन है तो विंट सर्फ के साथ बॉब खान इन दोनों ने मिलकर टीसीपी आईपी बनाया और डब्ल्यू की बात करें तो ये क्रेडिट जाता है टिम बर्नर्स ली को अगला टू एक्सेस अ वेबसाइट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ब्राउजर की रिक्वायरमेंट तो होती है इंटरनेट कनेक्शन भी आपको चाहिए वेबसाइट को खोलने के लिए इंटरनेट डिवाइस भी चाहिए लेकिन डेटा केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगला द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोला जाता है यूआरएल बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है तो सही जवाब हो जाएगा यूआरएल अगला क्वेश्चन से वेबेज का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है एस टी एम होता है एस टी एम एल भी होता है ए एस पी एक्स ये भी सही है लेकिन एमडीबी यहां पर गलत जवाब है क्योंकि यह एम एस एक्सिस का एक्सटेंशन है ना कि किसी वेब पेज का है ना एस टी एम मतलब हाइपर टेक्सट मार्कअप एस टी एम एल मतलब हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज ए एस पी एक्स मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस और एम डी बी का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट का डेटा बेस यानी एम एस एक्सिस अगला अ लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कॉम्युनिकेशन नेटवर्क यानी लोकल बेसिस पर काम कर रहा है रेस्ट्रिक्टेड है और ये काम कर रहा है किसके लिए प्राइवेट नेटवर्क की तरीके से काम कर रहा है सो अ लोकल और अ रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएटेड फॉर प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट है ना इसी को ही हम लोग इंट्रानेट कहते हैं यानी वो नेटवर्क जो इंप्लॉयज के लिए बना होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके इंप्लॉय यूज कर सकते हैं दैट नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट वेरी गुड अगला ऑल दी tags और की वर्ड यूज इन एस टी एम एल आर रिटर्न इन साइड जितने भी टैग और जितने भी की वर्ड होते हैं एस टी एम एल में किसके अंदर लिखे जाते हैं ठीक है तो प्रज्ञा सिंह कह रही हैं आज क्या पढ़ ले हैं कंप्यूटर के लिए देखो एट डेज ए टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है ना एक बार दस दिन दस पेपर वाला मैंने सेट करवाया था वो देख लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी इनमें से अगर कुछ भी रहा हो है ना तो वो बेसिकली देखना क्योंकि आज तो सिर्फ रिवीजन ही करना है आपको बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। टैक्स को जो लिखा जाता है वो इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन सिंबल के अंदर ही लिखा जाता है अगला ट्रांसमिशन मीडिया कैटेगराइज ट्रांसमिशन मीडिया को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है उनके नाम बताइए सॉरी <coughs> बिल्कुल देखो ट्रांसमिशन मीडियम की अगर हम बात करें तो ये, या तो ये ये या गाइडेड होगा या तो ये अनगाइडेड होगा यानी या तो केबल के थ्रू काम होगा या केबल लेस मैनर में काम होगा है ना तो इसे गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम हम लोग बोलते हैं कोई डाउट कोई डाउट नहीं अगला देखो ट्विस्टेड पेयर वायर कॉमा को एक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल आर एग्जाम्पल ऑफ अब ट्विस्टेड पेयर वायर हो या को एक्सियल केबल हो या फाइबर ऑप्टिक केबल हो ये केबल है और केबल का मतलब क्या होता है गाइडेड तो यानी आंसर लगा दीजिए गाइडेड और अगर यहां पर कोई भी वायरलेस मोड दिया होता तो आंसर क्या होता अनगाइडेड हो जाता विच ऑफ च इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज यूटीपी कनेक्टर विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज यूटीपी कनेक्टर यूटीपी का मतलब क्या है देखिए कल मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले सेशन में कि जो ट्विस्टेड पेयर होती है वो दो तरीके की होती है एक तो यूटीपी होती है और एक एस टी पी होती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर होती है और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है यूटीपी की बात करें तो ये आरजे45 कनेक्टर का यूज करता है है ना कई बार आपने सुना होगा जो लैंड कनेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड आरजे45 कनेक्टर जहां पर इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है यूटीपी की फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और आरजे45 की फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक 45 अगला बल्स आर वेरी चीप ये केबल बहुत ही सस्ती है इजी टू इंस्टॉल इनको इंस्टॉल करना भी आसान है बट दे आर बैडली अफेक्टेड बाई दॉइस लेकिन ये बहुत ज्यादा आवाज करती है ऐसी कौन सी केबल है देखो नॉइस का मतलब है कि डेटा कंजेशन होता है यहां पर है ना डेटा जब ट्रेवल करता है तो काफी कंजेस्टेड मोड में डेटा जो है वो ट्रेवल करता है कंजेशन हो जाता है तो ऐसी टेबल कौन, ऐसी केबल कौन सी है गाइस बिल्कुल ये केबल है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है ना और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूटीपी बोलते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है जो काफी सस्ती है इंस्टॉल करना आसान है है ना जैसे जो हम लोग यूज करते हैं लैन केबल है ना वो आपकी यूटीपी होती है जैसे कैट 5 कैट 6 कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6 अगला देखो अब देखो यहां पर क्वेश्चन भी आ गया इसी से कैट फाइव यूटीपी केबल ऑफर डेटा रेट अप टू देखो मार्केट में जब आप लैंड केबल लेने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैट फाइव कैटेगरी की चाहिए या कैट सिक्स कैटेगरी की चाहिए है ना तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैट फाइव यानी कैटेगरी फाइव की जो यूटीपी केबल है वो कितना डेटा रेट आपको देती है तो आंसर है हंड्रेड एमबीपीएस का डेटा ट्रांसफर रेट इसका रहता है है ना तो आंसर होगा हंड्रेड एमबीपीएस फॉर वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इसका आंसर गलत लगाकर आते हैं कैंडिडेट ऐसी कौन सी केबल है जो वॉइस और डेटा दोनों को ट्रेवल करने के लिए कैपेबल है तो इसका आंसर होता है वैसे तो जितनी भी केबल हैं, वो सब वॉइस और डेटा को ट्रेवल करवाती हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर होगा ट्विस्टेड पेयर केबल क्योंकि यही आपकी पहली केबल रही है जो डेटा और वॉइस दोनों के लिए बनी है ना तो आंसर क्या होगा ट्विस्टेड पेयर अगला क्वेश्चन <coughs> दिस केबल ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन केबल टेलीविजन नेटवर्क फॉर कंप्यूटर कॉम्युनिकेशन इस केबल के माध्यम से आप टेलीविजन से किसी भी कॉम्युनिकेशन सेटेलाइट को या कॉम्युनिकेशन नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं तो देखो केबल की बात है और हमने आपको बताया था कि कभी भी केबल की बात की जाएगी और टीवी केबल की बात की जाएगी है ना टेलीविजन केबल की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा बिल्कुल सही कोएक्सियल केबल होगा तो जो आपके घर में डायरेक्ट टू होम सर्विस आ रही है है ना जो डिश लगी हुई है आपके घर में तो वो जो केबल वहां पर यूज होती है वो कौन सी है मैक्सिमम केस में कोएक्सियल केबल का ही इस्तेमाल होता है ठीक है अब कुछ कैंडिडेट देखो ट्विस्टेड पेयर लगा रहे हैं ठीक तो इसको याद रखिएगा आंसर क्या होगा कोएक्सी केबल होगा केबल आर कंपोज ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक इनर कोर सराउंडेड बाय क्लैडिंग ऑल इनकेस्ड इन एन आउटसाइड जैकेट यह एक केबल है जो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है इसका कोर में क्लैडिंग लगी होती है और एक जैकेट भी होती है तो बहुत ही सिंपल है ग्लास और प्लास्टिक की बनी हुई केबल कौन सी होती है दैट इज योर फाइबर ऑप्टिक केबल जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से भी जानते हैं क्लियर है बहुत बढ़िया अगला बताइए विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाइएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसकी सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन स्पीड होती है तो सबसे ज्यादा स्पीड किस केबल की होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल से अच्छी कोई केबल नहीं है सबसे ज्यादा स्पीड भी इसकी अच्छी है और सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट भी इसी का ही है है ना तो आंसर क्या होगा सेकेंड वन दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल अगला क्वेश्चन द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश इन कंपोजिशन जो ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर कोर होता है वो किससे मिलकर बना होता है तो ग्लास से मिलकर बना होता है तो फाइबर ऑप्टिक केबल में सिर्फ क्या है ग्लासेस हैं और ये लाइट के स्पीड में ट्रेवल करती हैं है ना तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है लाइट के बराबर इसकी स्पीड होती है इन फाइबर ऑप्टिक दिग्नल इज इन डैश वेव देखो आ भी गया क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया था कि फाइबर ऑप्टिक केबल में जो सिग्नल होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो किस तरीके की वेव होगी यहां पर लाइट वेव होगी ठीक है लगा दीजिए लाइट अगला क्वेश्चन आई ट्रिपली एट जीरो टू पॉइंट थ्री ये जो आई ट्रिपली एट जीरो टू पॉइंट थ्री स्टैंडर्ड है ये कौन सा स्टैंडर्ड कहलाता है दिस इज कॉल्ड ईथरनेट स्टैंडर्ड है ना तो ये क्वेश्चन तो देखो पूछा ही जाएगा क्योंकि ये बहुत ही खास क्वेश्चन होता है कई सारे कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर याद रखिएगा के लिए किया जाता है Ethernet मतलब नेटवर्क में जो स्टैंडर्ड होता है अगला में किस तरीके की केबल का इस्तेमाल होता है तो यहां पर आंसर है ट्विस्टेड पेयर तो ट्विस्टेड पेयर के लिए जो एक आई ट्रिपल स्टैंडर्ड है वो टेन बेस टी है है ना तो आंसर होगा यहां पर ट्विस्टेड पेयर देख लिया था आंसर पीछे वाले क्वेश्चन का ट्विस्टेड पेयर अगला क्वेश्चन गाइस which ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन अनगाइडेड मीडियम इनमें से कौन सा एग्जाम्पल अनगाइडेड मीडियम का है देखो मैंने अभी आपको बताया था गाइडेड मीडियम का मतलब क्या होता है केबिल और अनगाइडेड मीडियम का मतलब क्या होता है वायरलेस मोड तो रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड वेव ये सब अनगाइडेड हैं लेकिन केबल आपकी यहां पे फाइबर ऑप्टिक केबल है जो कि गाइडेड का एग्जाम्पल है तो यहां पर आंसर क्या बनेगा फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन लीजिए विच सेलुलर फोन कॉमा सैटेलाइट एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता वायरलेस लैन कम्युनिकेशन के लिए, लिए, या लिए? यानी देखो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। यानी यानी को कवर करेगा। लैन लैन है ना है इसका भी एरिया ज्यादा होगा तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है एंटी करेक्ट आंसर इज माइक्रोवेव का यूज किया जाता है है ना तो कभी भी बड़े बड़े नेटवर्क के बारे में बात हो रही हो जैसे सैटेलाइट या वाईफाई टाइप के नेटवर्क के लिए तो यहां पर जो वेव्स यूज होती हैं वो कैसी होती हैं माइक्रोवेव होती हैं और अगर इस क्वेश्चन का ठीक उल्टा अगर हम बात करें कि किस वेव का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट रेंज कॉम्युनिकेशन के लिए जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे माउस या कीबोर्ड जो वायरलेस माउस होते हैं या वायरलेस कीबोर्ड होते हैं तो इनमें कौन सी वेव काम करती है तो वायरलेस चीजें जितनी भी होती हैं यहां पर आपकी इंफ्रा वेव काम करती हैं है ना तो आंसर क्या होगा इंफ्रा वेव और अगर बड़ी बड़ी डिस्टेंस की बात करेंगे तो माइक्रोवेव होगी क्लियर है यहां तक मतलब तुम लोग लाइक नहीं करोगे सेशन है ना तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा गाइस अगला देखिए डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन ऑन अ सिग्नल कैरियर एट द सेम टाइम कौन सा ऐसा डेटा कॉम्युनिकेशन मैथड है जहां पर डेटा दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेवल होता है एक ही समय पर है ना तो एक ही समय पर सेम टाइम का मतलब फुल डुप्लेक्स मोड है इसमें तो कोई शक ही नहीं होगा है ना तो क्या होगा फुल डुप्लेक्स होगा डिफरेंस तो आप लोग को क्लियर है इनमें क्या होता है अगला देखो विच डेटा कॉम्युनिकेशन मैथड इज यूज टू ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन ऑन अ सिग्नल कैरियर बट नॉट एट दी सेम टाइम इसका मतलब दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर तो हो रहा है सेंटर से रिसीवर और रिसीवर से सेंटर तक लेकिन अलग अलग समय पर हो रहा है तो अलग अलग समय पर होने का मतलब क्या है हाफ डुप्लेक्स है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया थैंक यू प्रज्ञा थैंक यू प्राची चलो आगे देखो इन विच मोड द कॉम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर अकर इन ओनली वन डायरेक्शन वेरी गुड कुंदन सोनी चलो तो देखो किस मोड में कॉम्युनिकेशन जो है वो सेंडर और रिसीवर अकर होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन का मतलब क्या होता है सिंप्लेक्स मोड है ना कॉमन सेंस है वेरी गुड बिल्कुल सही दैट इज सिंपलेक्स एक डायरेक्शन में जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कल कीबोर्ड से मॉनिटर ये एक डायरेक्शन में है तो है ना तो सिंप्लेक्स है हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या बताया था वॉकी टॉकी एग्जाम्पल क्या बताया था फोन पर बातें जो करते हैं है ना यानी फोन कॉल्स कह लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह लीजिए ये सब फुल डुप्लेक्स हैं अगला क्वेश्चन विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स देखो आ भी गया यहां पर मतलब चर्चा करने की देर होती है और क्वेश्चन भी प्रकट हो जाता है तो विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ऑफ हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी है ना तो एक बार सिग्नल जाएगा फिर रिसीव होगा फिर वापस वहां से आपकी वॉइस जाएगी तो ये वॉकी टॉकी होता है है ना आर्मी में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है वॉकी टॉकी का चलो निधि मीना थैंक यू वेरी मच कीबोर्ड एंड मॉनिटर कम्स अंडर विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन कीबोर्ड और मॉनिटर किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आते हैं तो अभी मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में कि कीबोर्ड से मॉनिटर में जो डेटा ट्रेवल होता है वो एक ही डायरेक्शन पर होता है है ना तो यानी रिवर्ट नहीं आ सकता मॉनिटर से कीबोर्ड तो ये सिंप्लेक्स टाइप का आपका ट्रांसमिशन मोड होगा ठीक है चलो टेलीफोन कम्स एंडर विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन टेलीफोन जो है वो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा टेलीफोन मतलब रियल टाइम पर काम करता है है ना जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई टेलीफोन हो गया तो ये आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल बनेगा तो आंसर होगा थर्ड दैट फुल डुप्लेक्स मोड क्लियर है अगला क्वेश्चन इन दिस मोड सेंडर कैन सेंड दल्सो कैन रिसीव दी डेटा साइमल्टेनियसली यानी इस मोड में सेंडर जो है वो डेटा को सेंड भी करेगा और रिसीवर रिसीव receive भी करेगा साइमल्टेनियसली यानी एक साथ तो एक साथ का मतलब फुल डुप्लेक्स मोड अगेन यहां पर आंसर क्या है फुल डुप्लेक्स मोड है है ना तो यहां से देखो क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट बनेगा हाफ डुप्लेक्स से फुल डुप्लेक्स से है ना और सिंप्लेक्स मोड से इन तीनों से क्वेश्चन बनना फाइनल है ठीक है अगला देखो दिस मोड इज अरेक्शनल मोड ऑफ कॉम्युनिकेशन जो मोड है ये यूनिड है यानी एक ही तरफ data flow होता है। इसे क्या बोलते हैं? तो एक ही तरफ data flow होता है, तो सर यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है यानी सिंप्लेक्स मोड है क्लियर है और बाईड की बात करें दोनों तरफ तो ये तो हाफ डुप्लेक्स भी आपका बाई डायरेक्शनल है और फुल डुप्लेक्स भी आपका डायरेक्शनल है वेरी गुड अगला देखो नेम द सिक्योर ब्राउजर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इनमें से सबसे सिक्योर ब्राउजर कौन सा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज मोज़िला, गूगल क्रोम या टॉर तो बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस वाले सेशन में आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो सिक्योर ब्राउजर है सिक्योर कहें या ये कहें कि हैकर भी इसका इस्तेमाल करते हैं है ना इतना सिक्योर है यानी यहां पर अटैक होने की चांसेस बहुत कम होती हैं, बल्कि आप दूसरे को दूसरे के सिस्टम को ही हैक कर लेते हैं है ना इसका यूज करके तो बिल्कुल दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट ब्राउजर और सिक्योर ब्राउजर दैट इज योर टॉर ब्राउजर राउटर इज फॉर्म ऑफ टॉर ओनियन रूटर है ना या ओनियन राउटर भी कह सकते हैं आप और कल के सेशन में आप लोगों ने देखा था कि इसकी जो शेप होती है वो ओनियन यानी प्याज के आकार की होती है तो onion होती है ना तो ये आपके गाइस क्वेश्चन थे इंटरनेट रिलेटेड तो इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया अगर नहीं देखा है तो एक बार टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा है ना और साथ ही साथ आपके फिफ्टी क्वेश्चन भी हो गए अब ऐसा कोई भी टॉपिक आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बचा जो मैंने ना पढ़ाया हो है ना तो सभी टॉपिक बहुत ही जाइएगा फॉर एग्जामिनेशन अच्छे से पढ़िए अच्छे से एग्जाम दीजिए जो रह गया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट है ना और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में यहां पर आपको पेपर देना है सिलेक्शन लेना है और उसके बाद आपको भूलना नहीं है अपना रिव्यू भी आपको देना है है ना? तो मैंने आपको बताया था कि पेपर के बाद में आप अपना रिव्यू हमें देंगे और बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया कितने क्वेश्चन आपने किए क्वेश्चन कौन कौन से पूछेगा एग्जाम में इन सब के बारे में आप हमें वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा थैंक यू वेरी मच गाइस बाय बाय एंड टेक केयर सी यू इन सेशन